आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूजित अक्षत व निमंत्रण कार्ड वितरण के चौथे दिन गुरुवार को इटावा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने दुबियापुर नगर के मोहल इंदिरा नगर स्थित सेंट्रल बैंक वाली गली में घर घर पूजित अक्षत व निमंत्रण कार्ड राम मंदिर व भव्य चित्र देकर उत्सव मनाने का आह्वान किया। वहीं भाजपा महिला नेत्री उषा गुप्ता व युवा भाजपा नेता अंकित दुबे के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों द्वारा निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके बाद वह अछलदा विकास खंड के ग्रामों में संकल्प भारत विकसित यात्रा और कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लेने चले गए। जो किसी कारण बंद हो गया था उसको फिर से चालू कराया है। अब सवाल ये है कि उसके लिए जो है उसके अनुरूप बिल्डिंग की जरूरत है। अभी जिस भवन में वो संचालित हो रहा है वो भवन अभी उसके अनुकूल कम है और इसलिए कैंपस में जो एक और स्कूल चल रहा है उसका नाम है सेंट थॉमस जोसेफ, तो वो जोसेफ की नई बिल्डिंग बन चुकी है। वही बिल्डिंग केवी को मिले ये हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दिव्यापुर में जो फफूंद स्टेशन वहाँ पर ट्रेन ठहराव को लेकर क्या पहल की जा रही है? क्या फफूंद स्टेशन पर नई ट्रेन ठहराव को लेकर आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है? हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं। मतलब कोई ट्रेन की उम्मीद है नई ट्रेन ठहराव को लेकर? नहीं, उम्मीद हर समय जारी है सर। मुरी और लिंक एक्सप्रेस को लेकर काफ़ी समय से जो मैंने कहा ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद जारी है।